तो ये हमारी गिलकी बहुत जल्दी और बहुत अच्छे से बन के रेडी हो गई है। नमस्ते फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं गिलकी की सब्जी, तो बहुत ही आसान और भरमा गिलकी है और बहुत जल्दी बन जाती है। हम लोग इसमें बहुत इजी रेसिपी क्योंकि इस चैनल में बताते हैं और बहुत जल्दी बनने वाली और बहुत कम ऑयल की और बहुत हेल्दी रेसिपीज़ आपको बताते हैं, तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इसके लिए सबसे पहले लहसुन हम लोग लेंगे। लहसुन इसमें थोड़ी सी ज़्यादा डलेगी क्योंकि गिलकी का हल्का सा टेस्ट जो रहता है वो मीठा रहता है, तो लहसुन इसमें थोड़ी सी ज़्यादा हम डालेंगे। ये मैंने कम से कम, आप देख लीजिए, इसमें होंगी ये 20 कली के करीबन लहसुन होगी और ये आधा किलो गिलकी मैंने लिए, तो आधा किलो गिलकी के लिए हमने ये 20 कली के अप्रॉक्सीमेट लहसुन की कली ली है। इसको अच्छे से मसल लेंगे, इसका टेस्ट उतना अच्छा आता नहीं है। ये हमारी लहसुन की कली बहुत अच्छे से मैंने इसको, इसमें जो हमारा खलबत्ता है उसको कूट लिया है। अब इसमें हम स्पाइसेस डालेंगे और इसी में ही इसको घोल लेंगे। ये चम्मच से लोगों को बहुत कंफ्यूज होता था, ये छोटा चम्मच मैं अपनी मसालेदानी में यूज़ करता हूँ। तो ये हमने जो लहसुन पीस के रखी थी इसमें हम 3 छोटे चम्मच, आप देख लेंगे 1.5 चम्मच के अप्रॉक्सीमेट होगा, वो धनिया इसमें डाल देंगे और 1 चम्मच हल्दी मैंने इसमें डाली है। थोड़ा सा इसमें मिर्ची 1 बड़ा चम्मच भर के हम डाल रहे हैं, बड़ा मतलब जो ये आपका है, क्योंकि इसमें थोड़ी सी ये स्पाइसी अच्छी लगती है तो मैंने डाला है। और साथ में इसमें हल्का सा जो जीरा है वो इस टाइम पे भी हम हल्का सा इसके अंदर के लिए भी डाल देंगे। 1 चम्मच सेंधा नमक ये है तो मैंने 1 चम्मच नमक डाला है। थोड़ा सा हम इसमें ऊपर से भी नमक डालेंगे जब गिलकी को हम डालेंगे। और एक जो छोटा वाला ये स्पून है ये मैं इसमें गरम मसाला डाल रहा हूँ, तो इसको हम अच्छा सा पेस्ट बना लेंगे। यही हमारा मसाला है जो हमको इसमें स्टफ करना है और बहुत कम तेल में बहुत ही डिलीशियस ये सब्जी बनती है और बहुत जल्दी भी बन जाती है, बहुत ज़्यादा देर भी इसमें नहीं लगती है। ये आप देख सकते हैं हमने जो इसकी स्टफिंग है गिलकी की वो बना ली है बिल्कुल सिंपल मेथड से। तो इसमें हमने लहसुन ली है, धनिया लिया है 1 बड़ा चम्मच के अप्रॉक्सीमेट, और आपका हल्दी है और मिर्ची का पाउडर है। तो यदि अगर हम इनको शॉर्ट चम्मच से देखें तो 3 चम्मच धनिया है, 1 चम्मच हल्दी है और 1 चम्मच मिर्ची है। 5-1 मिनट हम जैसे ही इसको रखेंगे तो धनिया इसमें फूल के ये थोड़ा मोटा हो जाता है। और इधर हम गैस स्टार्ट कर देंगे क्योंकि हमको कढ़ाई गर्म करना है। और इसमें हम डाल देंगे सरसों का तेल थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़े से तेल में हम इसको बनाएंगे। तो मैंने 1 बड़ा स्पून भर के जो अपना रहता है वो मैंने बड़े चम्मच भर के ऑयल लिया है सरसों का। और इधर हम इसमें गिलकी में मसाला बनना स्टार्ट करते हैं जो हमने बना के रखा हुआ है। तो इनको छोटे छोटे पीसेस में काटते हैं। ये पीसेस आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं और इसमें ये हम भरते जाते हैं, आप चाहें तो हाथ से भी भर सकते हैं। ये हमने इस तरीके से सभी गिलकी जो है वो भर ली है अच्छे से। और इधर हमारा तेल भी लगभग गरम होने लग गया है, तो अब हम इसमें ये गिलकी सब शिफ्ट करेंगे। ये बहुत जल्दी बन जाती है और इसका टेस्ट, और अभी आप इसका कलर देखिएगा कि इतना सुंदर इसका कलर आता है कि देखते ही इसको खाने की इच्छा होती है। तो आप भी अपने घरों में बनाइए और फिर अपने एक्सपीरियंसेस हमारे साथ शेयर करिए। और बहुत जल्दी भी बन जाती है, बहुत ज़्यादा इसमें स्पाइसेस भी हमने यूज़ नहीं करे हैं, जो नॉर्मल मसाले रहते हैं वही यूज़ करे हैं, और बहुत जल्दी बन जाती है और टेस्ट इसका बहुत पूरा विलेज स्टाइल इसका टेस्ट आता है, वो भी बहुत कम ऑयल में। तो इधर हम अब थोड़ा सा राई इसमें डालेंगे ऑयल में। जैसे ही ये थोड़ा गर्म होता है 1 चम्मच के अप्रॉक्सीमेट इसमें जीरा डाल देंगे, राई फूटने लग गई थी। और अब बस हम इनको इसमें ये गिलकी सब डाल देना है।
ये लोहे की कढ़ाई में बना रहे हैं हम ये सब्जी, और सरसों के तेल में बना रहे हैं। आप देख सकते हैं ये अभी भी बहुत अच्छी दिख रही है। और अब इसमें हम थोड़ा सा नमक हल्का सा ऊपर डाल देंगे, क्योंकि हमने अंदर तो डाले ही है, थोड़ा सा बिल्कुल ऊपर भी डाल के, और इसको ढक के पकने के लिए 5 मिनट के लिए देखते हैं। 5 मिनट बाद में फिर आपको इसको दिखाता हूँ। ये बहुत जल्दी बन जाती है, तो इसकी जो फ्रेग्रेंस आ रही है, जो अरोमा इसकी है, वो बहुत अच्छी अरोमा इसकी आ रही है। ये इसको ढक के हमने 5 मिनट के लिए छोड़ दिया। ये 2 मिनट बाद हम एक बार इसको चला लेते हैं कि चिपके नहीं, ये बिल्कुल भी नीचे नहीं चिपक रहा, और बहुत थोड़े से ऑयल में, क्योंकि गिलकी का अपना खुद का वाटर कंटेंट रहता है, वो जैसी नमक के साथ मिलके सिकती है तो वाटर रिलीज़ करती है, वैसे ही सेम इसमें भी हो रहा है। और अब इसको हम 5 मिनट के लिए और ढकेंगे, और गिलकी को जब तक ये गल जाती है तब तक पकाएंगे। आप इसका कलर और कंसिस्टेंसी अभी देख सकते हैं कि कितनी अट्रैक्टिव दिख रही है, कितनी माउथ वाटरिंग दिख रही है। ये 5 मिनट हो गए हैं, 5 से 7 मिनट में हमारी सब्जी बन के रेडी हो गई है। आप देख सकते हैं इसको थोड़ा सा ये ऐसे करके गिलकी पूरी बहुत अच्छे से गल चुकी है। और मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि इसमें आपको ओरिजिनल गिलकी का टेस्ट आएगा, क्योंकि बहुत सारे भरमा गिलकी में मसाले डाल देने से वो उसमें गिलकी का जो रॉ टेस्ट रहता है वो तो चला ही जाता है। तो आप इस टाइप से गिलकी बनाइए, और मुझे ऐसा लगता है कि शायद इससे अच्छी गिलकी आपको कभी लगेगी ही नहीं, क्योंकि इसमें गिलकी का जो रॉ टेस्ट है वो आपको आएगा। तो इसको हम अब गैस बंद करते हैं, थोड़ा सा हरा धनिया इसमें डालते हैं, और इसको फिर एक बाउल में निकालते हैं। ये हमारी गिलकी बहुत जल्दी और बहुत अच्छे से बन के रेडी हो गई है, और बच्चे से बड़ों तक सबको बहुत पसंद आएगी। इनको आप पराठे के साथ, राइस के साथ सर्व कर सकते हैं। और हमने इसको लोहे की कढ़ाई में बनाई है। ये भी इसके अच्छे जो कलर इसका दिख रहा है फ्रेश, उसके ये भी कारण है कि इसको लोहे की कढ़ाई में बनाई है हमने। और ये आप देख सकते हैं हमारी गिलकी कितनी अच्छी दिख रही है, और इसमें हरा धनिया हम डाल देंगे। और आप भी अपने घरों में इस टाइप से बनाइए, और हमारे चैनल को बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।